ओके सो लेट्स टॉक अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात आती है, ठीक है. जैसे कि कार्बन कैटेनेट करता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. उसी के अलावा जब हम कार्बन के फॉर्म की बात करते हैं कि कार्बन किस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब बात आती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की. तो कार्बन बेसिकली अभी तक तीन फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट. और ये है बेसिकली आपका डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस. अब जो आपके फ्लोरेंस हैं उनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट को 1996 में नोबेल प्राइज दिया गया था. और उनके जो नाम थे वो मुझे याद नहीं है, इसलिए उनके नाम है ई स्मेले, आर एफ कर्ल और एच डब्ल्यू क्रोटो. अब ये जो तीनों फॉर्म्स हैं या एलोट्रोप्स हैं कार्बन की, इनकी बात करते हैं. पहला है डायमंड. डायमंड के बारे में सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, जैसे कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल बोला जाता है इसको. बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है. तो इसी चीज़ को अब हम और डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डायमंड की, और ये जो एलोट्रॉप है वो किस तरीके से अलग है विद ग्रेफाइट. तो सबसे पहले जब हम कार्बन की बात करते हैं, इसका लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन है. हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और मैं एक काम करती हूँ, मैं तीनों का एक तरीके से यहाँ पर वो बना देती हूँ, ठीक है. डिफरेंशिएशन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा. पहला है हमारा डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फ्लोरेंस बकमिंस्टर. ओके, तो पहली चीज जो हम बात करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन. तो डायमंड के जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक. यानी कि आपका एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में शामिल हो रहे हैं. तो जब आपको पता है, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा आता है, टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है. वहीं ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं इन दिस, ठीक है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ग्रेफाइट बन रहा है. अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होने से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा, एक चीज और, बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं. तो जो आपका यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 154, ठीक है, 154 पीकोमीटर, 154 पीकोमीटर. क्या चीज, बॉन्ड लेंथ. डायमंड में 154 पीकोमीटर बॉन्ड लेंथ है. और वहीं हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी हो जाती है 141.5, ठीक है, पीकोमीटर. तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज आ रहा है बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड की लंबाई कम हो रही है, ठीक है. तो दूसरी बात ये हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तीन नेबरिंग कार्बन एटम्स के बीच में, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पाई बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट के अंदर, इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो जाते हैं, ओके, पूरी शीट पर. और इस वजह से ही, अच्छा देखो, यहाँ पे जो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसको समझो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं फर्दर, ठीक है. यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर कार्बन एटम का वो अवेलेबल है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता, ठीक है. तो ये आपको समझना जरूरी है. अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज है भैया, ग्रेफाइट का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तोड़ सकते हो आप इसे आसानी से. डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है,
अभी वर्क मिनिस्टर की बात करेंगे, पहले जो दो हमें पता है उनकी बात कर लेते हैं, उनके बीच में कंपेरिजन ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरा फिर हम ले ही आएंगे पिक्चर में। ओके आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो ग्रेफाइट है उसको ऐसे ड्राई लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई लुब्रिकेंट मतलब जहां जहां पर भी लिक्विड लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती, पाउडर्ड लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, वहां पर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। डायमंड के बारे में आप सब जानते हैं, इट इज द हार्डेस्ट मटीरियल फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, और कुछ इसमें प्रॉपर्टीज रह गई है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। डायमंड का यूज किया जाता है फॉर शार्पनिंग मटीरियल्स, यानी दूसरे मटीरियल्स को धार देने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। अब इन दोनों के मुकाबले फ्लोरेंस को कंपेयर करते हैं कि फ्लोरेंस में बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, होता कैसा है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है। ठीक है, लेट्स सी। तो आपका जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है उसका जो शेप है वो एक सॉकर बॉल जैसा होता है और उसमें एक टाइम पे 60 कार्बन एटम्स कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्मूथ स्ट्रक्चर ये काफी बनाता है। अब इसके बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं तो हाँ, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो वैरी करता है फ्रॉम 143 to 138। इसके बीच में लाई करता है इतना पिकोमीटर के बीच में लाई करेगा, 143 to 138 पिकोमीटर। और इसके अलावा स्फेरिकल फ्लोरेंसेस को बकी बॉल्स भी कहा जाता है, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो जो बकी बॉल्स हैं उसमें आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस आता है और ये सॉकर बॉल के शेप का होता है, 60 कार्बन से बना हुआ होता है। अच्छा, और ये बताइए क्या और फ्लोरेंसेस भी बन सकते हैं C60 के अलावा? जी बिल्कुल बन सकते हैं, C70 बन सकता है, और भी कई सारे बन सकते हैं। 350 तक इवन नंबर ऑफ कार्बन को कंबाइन करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ रह गया इसमें? तो जिस फ्लोरेंस का शेप सॉकर बॉल जैसा होता है उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है अब उसकी बात कर लेते हैं। तो sp2 शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है और एक टाइम पे बाकी के कार्बन एटम के साथ ये कंबाइन कर रहा है तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं 3 कार्बन एटम्स के साथ। और जो आपका एक लास्ट का कार्बन है वो आपको इसको देता है एरोमेटिक कैरेक्टर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ओके, कार्बन के दूसरे फॉर्म्स क्या क्या है? कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ये सब इम्प्योर फॉर्म्स हैं। ग्रेफाइट और फ्लोरेंस के ही इम्प्योर फॉर्म्स हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो हमें तब ऑब्टेन होता है जब हम हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलाते हैं, बेसिकली कार्बन का धुआं होता है और कुछ नहीं होता, काले रंग का धुआं होता है। और चारकोल और कोक जो है वो वुड और कोल को हीट करने पर मिलते हैं हाई टेम्परेचर पे एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, अच्छा कार्बन का इस्तेमाल क्या क्या है? तो ग्रेफाइट फाइबर्स जो हैं वो प्लास्टिक मटेरियल में आप उनको अगर उनको यूज़ किया जाए ग्रेफाइट फाइबर्स को तो उससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होता है, स्ट्रेंथ जनरेट होती है, लाइट वेट बन जाता है। जो कॉम्पोजिट्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं टेनिस रैकेट्स बनाने में, फिशिंग रॉड्स बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में। गुड कंडक्टर होता है तो ग्रेफाइट को आप इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज कर सकते हैं बैटरी के अंदर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और क्रूकबल्स जो कि ग्रेफाइट से बने हुए हैं वो इनर्ट होते हैं, डाइल्यूट एसिड को देख करके वो रिएक्ट नहीं करते, अल्कलीज को देख करके हाईली पोरस होते हैं, इनके अंदर कोई दूसरा मटीरियल जो है वो इन्वेड कर सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ किया जाता है पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए और इसको वाटर फिल्टर्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक कंटैमिनेटर्स को रिमूव किया जा सके। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है वहाँ के ओडर को, स्मेल को कंट्रोल करने के लिए। कार्बन ब्लैक को ब्लैक पिगमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ब्लैक इंक के अंदर, जो स्याही बनती है उसके अंदर कार्बन ब्लैक को एज अ ब्लैक पिगमेंट यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल फिलर्स जो है वो भी इस कार्बन ब्लैक के इस्तेमाल से ही बनते हैं।
ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर. ओके, कोक जो है उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और लार्जली उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है इन मेटलर्जी. डायमंड एक प्रेशियस स्टोन है, उसको ज्वेलरी में यूज किया जाता है और इसका जो इसको मेजर किया जाता है वो होता है इसका 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स. ठीक है, तो ये हुए आपके तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, इसके अलावा आपका बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस याद रखना है, नेचर याद रखना है और फाइनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको भी याद रखना है. वो सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉकर बॉल जैसा है, गोल है, फिनिश्ड है, रफ है, कैसा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.